शिवसेना समाजवादी की तरफ से उत्तर भारत प्रमुख रवि शर्मा की अध्यक्षता में जिला नव नियुक्त जिलाधीश नीलिमा कुमारी को सम्मानित किया गया, जिसमें शिव सैनिक की तरफ से हिंदू नेताओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया गया कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन हिंदू नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उनके लिए उनको अपनी आत्म रक्षा के लिए वेपन लाइसेंस मुहैया करवाया जाए ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो अभी आए थे शिवसेना के कुछ मेंबर्स और उनकी बेसिकली डिमांड ये थी कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी गनमैन मिले हुए हैं, उसके बावजूद कुछ हेडलिस्ट के बंदों को आर्म्स लाइसेंस एंड वेपन्स के लिए इशू करने की बात है। मैं उसको कंसिडरेशन में रखी हूँ, अगर नीड में है और जो है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, इसके हिसाब से उनको आश्वासन दिया गया है। देखते हैं खानपुर शहर दे नवनियुक्त जिलाधीश मिलने वास्ते शिवसेना समाजवादी का एक शिष्टमंडल जोड़ा है वो माननीय डीसी साहब के ऑफिस आया है, उन्होंने मिल के इस गल का एहसास होंगे कि एक वधिया कार्यशैली वाले अफसर जोड़े ने पठानकोट चलाए गए हैं। आप इस गल की मंग जी है उन्होंने रखी है कि शहर के उन्होंने प्रबंधक व्यक्तियों के जेडे हिंदू समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं, जेडे हिंदू समाज को अगे लैके जाने का प्रयास करते हैं, उन्होंने अमूमन जीडिया वो कट्टरपंथियों को धमकिया जानदियाँ मार आदियाँ रहा, उन्होंने सदके सरकार ने उन्होंने गनमैन से प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अजे तक उन्होंने परसनल वैपन जोड़े वो इशू नहीं किए गए। इस कारण यह जी मंग है असी जिलाधीश मैडम को रखी है कि उन्होंने परसनल वैपन जोड़े वो मुहैया कराए जाता उन्होंने सिक्योरिटी जी है वो पुख्ता की जाए। इस तो अलावा मैडम ने इस गल का आश्वासन दिया कि जेडे पिछले कार्यकाल के कार्यक्रम किए गए हैं या जो चल रहे कर्म ने जिद पठानकोट व्यक्तियों को सहायता होगी वो कंटिन्यू रहेंगे, तो असं इस गल की आस करने कि जिला जी मैडम बेस्ट जी है पठानकोट शहर में देंगे। जय हिंद जय भारत।